महिला डॉक्टर के रेप और हत्या की घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता घटना की घोर निंदा करते हुए कहा कि बस अब बहुत हो गया, मैं निराश और भयभीत हूं। राष्ट्रपति ने कहा कि निर्भया के बाद 12 वर्षों में अनगिनत बलात्कारों को समाज भूल चुका है, ये सामूहिक भूलने की बीमारी अप्रिय है। राष्ट्रपति ने कहा कि देश में किसी भी हिस्से में महिलाओं के खिलाफ हुई क्रूरता से दुख पहुंचता है। वहीं उन्होंने सभी के लिए मार्शल आर्ट और आत्मरक्षा प्रशिक्षण के महत्व का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अक्सर निम्न स्तर की मानसिकता महिलाओं को कम शक्तिशाली, कम सक्षम, कम बुद्धिमान समझती है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि समाज को ईमानदार, निष्पक्ष आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। तो देश की राष्ट्रपति की ओर से महिलाओं के खिलाफ जो अपराध देश में हो रहे हैं, उसी के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण और कड़े शब्दों में राष्ट्रपति ने अपनी भावनाओं को सामने रखा है। बंगाल की डॉक्टर बेटी को उसके साथ हुई दरिंदगी के लिए न्याय अवश्य मिले, हर देशवासी यही चाहता है, और इसी न्याय के लिए आवाज बुलंद हुई तो ममता बनर्जी की सरकार ने छात्रों पर आंसू गैस के गोले बरसा दिए। भाजपा ने विरोध किया तो उन्हें बम गोलियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब अदालत ने धरने की इजाजत भाजपा को दे दी है। लेकिन इस मसले पर ममता कानून व्यवस्था बनाए रखने की बजाय विवादित भड़काने वाले बयान दे रही हैं। हालात सुधारने की बजाय स्वयं कह रही हैं कि मैं बदला नहीं लेती, लेकिन अब जो करना है करो। और इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की डिसिप्लिनरी कमेटी ने आरजी कर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को निलंबित कर दिया है। ये तस्वीरें भाजपा के राज्यव्यापी पश्चिम बंगाल बंद के आह्वान के राज्य में व्यापक असर की तस्दीक करती हैं। वीरान सड़कें, दुकानें बंद, लेकिन वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले, पुलिस के भाजपा कार्यकर्ताओं पर बर्बर हमले भी देखने को मिले। लेकिन हालात इस कदर हिंसक हो गए कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया और टीएमसी के कथित गुंडों ने बम गोलियों के प्रयोग किए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सदस्य दीप्त रूप मंडल, युवा मोर्चा के महासचिव अभीक मंडल समेत अन्य कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। कितने ही कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। टीएमसी लगातार भाजपा पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है, जिसे लेकर भाजपा ने ममता सरकार पर करारा हमला बोला और कोलकाता रेप केस में ममता सरकार के रवैये को न्याय का मजाक और संविधान की मूल भावना पर आघात करार दिया। जैसे सरकार का मुखौटा कुछ और दिख रहा है पश्चिम बंगाल में और मुख कुछ और दिख रहा है, उसी प्रकार से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शब्द कुछ है और भाव क्या है ये सबको समझ में आ रहा है। मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता जी से कहना चाहता हूं, महोदया, इस पीड़िता के साथ न्याय का विषय चुनाव का विषय नहीं है, ये सबूतों के आधार पर कानून की अदालत में साबित होकर दोषियों को सजा दिलाने का विषय है, ये न्याय का विषय है, चुनाव का विषय नहीं है। पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर की हत्या और बलात्कार के मामले में भाजपा को कलकत्ता हाई कोर्ट से धरने की अनुमति मिल गई है, लेकिन भाजपा नेता ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग के साथ राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में लॉ कुछ नहीं है और एक महिला होके महिला को जस्टिस नहीं दे पाया, उसके पुलिस छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया है, लाठीचार्ज के कल जैसे रूफ कोलकाता ने देख लिया, पूरा देश ने देख लिया है। ये साबित हो गया है कि ममता बनर्जी महिला को जस्टिस नहीं देंगे, दोषी को बचाने का कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में स्वयं अदालत की ओर से फटकार मिलने और जांच को प्रभावित करने जैसे सवालों में घिरी ममता बनर्जी ने एक और दाव चलते हुए कहा है कि अगले सप्ताह विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा और दुष्कर्म के लिए मृत्यु दंड सुनिश्चित करने के लिए 10 दिनों के भीतर एक विधेयक पारित कर इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, अगर वो इसे पारित नहीं करते हैं तो राजभवन के बाहर धरना देंगे। वहीं टीएमसी के छात्र संघ को संबोधित करते हुए जिस प्रकार ममता बनर्जी ने छात्रों को भड़काने का प्रयास किया, उसे लेकर सुकांत मजूमदार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इसका संज्ञान लेने को कहा है।
पत्र में लिखा गया है कि ममता बनर्जी ने राष्ट्र विरोधी बयान देते हुए अपने संबोधन में कहा कि मैंने कभी बदला नहीं लिया, पर अब जो करना है वो करो। याद रखो, अगर बंगाल जलेगा तो असम, झारखंड, ओडिशा और दिल्ली भी जलेंगे। ये बयान किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के नहीं हो सकते। उनके बयान धमकाने, हिंसा भड़काने और लोगों के बीच नफरत फैलाने का प्रयास है। उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। दरअसल कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के बाद ममता सरकार लगातार बैकफुट पर है। मंगलवार को सरकार ने न बनना अभियान प्रोटेस्ट को रोकने के लिए छात्रों की आवाज दबाने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया, जिसके विरोध में भाजपा अपनी आवाज बुलंद कर रही है। कोलकाता से प्रसेनजीत बख्शी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अजीब स्थिति है इस राज्य में, पश्चिम बंगाल में, जहां स्वयं मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था बनाए रखने की बजाय स्वयं धरने प्रदर्शन की बात कर रही हैं, लेकिन जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने लोकतांत्रिक हक के तहत धरना प्रदर्शन करते हैं, उन पर गोलियां बरसाई जाती हैं, आंसू गैस के गोले बरसाए जाते हैं, वाटर कैनन्स बरसाए जाते हैं। कहा जाता है ये गैर कानूनी है। करते हैं इसी पर चर्चा। आज हमारा विशेष इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये विशेष ये कहता है कि मुखर हुई ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग, जो हालात है राज्य में उसको लेकर अब ये मांग चौतरफा से उठ रही है कि ममता बनर्जी को इस्तीफा दिया जाना चाहिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त विशेष मेहमान राधिका रॉय, बीजेपी की प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनिंदर सिन्हा रॉय भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो टीएमसी के समर्थक हैं, और साथ ही प्रकाश चंडालिया जी, जो राष्ट्रीय महानगर के एडिटर हैं, कोलकाता से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। और सबसे पहले अनिंदर सिन्हा रॉय, आप ही से मुखातिब होना चाहूंगी मैं, क्योंकि जो हालात बन गए हैं राज्य के, वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसके जवाब हम ये उम्मीद करते हैं कि आप सीधे तौर पर आज इस चर्चा में देंगे। सबसे पहले मैं उस बात से शुरू करती हूँ जिसको लेकर गृह मंत्री को पत्र लिखा गया है, जिसमें ममता बनर्जी के आज दिए गए बयानों को कोट किया गया है। बंगाल जलेगा तो तमाम अन्य राज्य भी जलेंगे, अब बस जो करना है वो करो। क्या मायने हैं इन शब्दों के? क्या कहना चाहती हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी? मैं आ रहा हूँ, पहले मुझे ये बताइए, आप अभी ये बोल रहे थे ना स्टूडेंट्स का शांतिपूर्ण मोर्चा, अच्छा ये शांतिपूर्ण है कि काल हमने देखा 110 पुलिस पर्सनल जिसको इंजर्ड हुआ है हॉस्पिटल में एडमिटेड है। मैं उस पे आऊंगी, मैं उस पे आऊंगी, तब इस मुद्दे को आप अपनी बात खुल के सामने रखिएगा। पहले जो सवाल दिया आप, इससे शुरुआत करते हैं, उस पर तो पहुंचना ही है हमें। इसके बाद का हम जानना चाहते हैं, क्योंकि सभी जानना चाहते हैं कि ममता बनर्जी ने आके ऐसे शब्द क्यों बोले, क्या मायने थे ममता बनर्जी के? देखिए जो घटता हुआ है उनके लिए ममता बनर्जी नहीं, हर इंसान चाहते हैं कि जल्दी जल्द जस्टिस मिले। जो घटना घटी है उनके हम शर्मिंदा है, लेकिन जस्टिस हमको चाहिए। और बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं, दंगा करो, मारपीट करो, मोर्चा निकालो, मारो पीटो, डेमोक्रेटिक वे में तो वो आते नहीं है, 355 डालो किसी भी तरफ। अब जस्टिस उनको नहीं चाहिए, उनको कुर्सी चाहिए, बीजेपी वाले को कुर्सी चाहिए। वो जस्टिस से हट गया है, उनसे कुर्सी का उस कुर्सी से मतलब है। आज वो लोग स्लोगन दे रहा था कि एक दफा ना क्या बोल रहे थे, हमको कुर्सी चाहिए, ममता बनर्जी रिजाइन करो। अरे भाई जस्टिस देगा सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट के अंदर उधर है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं कर पा रहा है, कुछ किसी को कुछ पता नहीं है। आज 14 दिन हो गया, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं है, और एक भी अरेस्ट नहीं हुआ है। लेकिन बीजेपी वाले उसे कोई मतलब नहीं है, वो लोग चाहते हैं कल बंगाल यहाँ आओ या आके दंगा फसाद करो। बीजेपी वाले भाजपा वाले यही चाहते हैं। चले निंदो जी, आप भाजपा पे सीधा आरोप लगा रहे हैं कि वो जो भी कर रहे हैं सिर्फ कुर्सी के लिए कर रहे हैं, राज्य में सब ठीक है। आपके कहने का मतलब यही हुआ राज्य में कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, ऐसे में आप क्यों शोर मचा रहे हैं? राधिका जी, बनर्जी को कुर्सी चाहिए थी तो वो 34 साल सीपीआईएम के राज के बाद वो आई, तो हम सियासत को इस केस से कभी परे नहीं कर सकते हैं।
पहले तो मैं इनको पूछना चाहती हूँ, ये जो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं लोकतंत्र में, सबको पता है कि वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में इसका आपको कहीं से कोई भी चिन्ह नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक अराजकता का एक राज्य है जहां पे एक हिटलर जैसी औरत और महिला इसको चलाती है गुंडों के साथ। तो हम इनके ऊपर जितना बोलेंगे वो कम होगा। अखबार सब पढ़ते, सोशल मीडिया सब देखते, पूरे देश को पता है कि बंगाल में जब इलेक्शंस होते तब क्या हाल होता है बीजेपी के वर्कर्स को, इत्यादि इत्यादि। पर हम उस बात पे नहीं कहेंगे। आज इनको, अब तक अगर उन्हें पता नहीं चला है कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है ये लोगों का प्रदर्शन है, नहीं तो आप बताएं, अगर अलग अलग फुटबॉल टीम के जो युद्ध के मैदान पे खड़े हो जाते हैं जब फुटबॉल की मैच चलती है, चाहे वो ईस्ट बंगाल हो या मोहन बगान हो या मोहम्मदन स्पोर्टिंग हो, वो क्यों एक साथ आए हैं? हर एक उम्र के लोग आए हैं एक साथ। ये कह रहे ये स्टूडेंट्स का नहीं था भाई, मैं कहूंगी भाई साहब को कि जरूर ये स्टूडेंट्स का नहीं था, क्योंकि स्टूडेंट माँ बाप से पैदा होते हैं, उनके माँ रहेंगे, बाप रहेंगे, बहन रहेंगे, आजू बाजू वाले रहेंगे, क्योंकि ये एक आज ये जो प्रदर्शन हम देख रहे हैं बंगाल के इस ये लोगों का है। और बंगाल ने ये बता दिया कि हम सोए हुए थे, हम डरे हुए थे। चलिए, यानी बंगाल के लोग अपने बंगाल की बेटी के लिए न्याय मांगने के लिए सड़कों पर उतरे, उसको भाजपा की इस मांग से कहीं नहीं जोड़ा जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। जी जी, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, प्रकाश चंडालिया जी। प्रकाश जी, एक बात तो स्पष्ट है कि राज्य में पिछले आज और कल में जो हुआ वो लोकतंत्र के मूल्यों की संरक्षा के तौर पर बिल्कुल गलत हुआ। छात्रों के ऊपर पुलिस की बर्बरता और उन छात्रों के ऊपर पुलिस की बर्बरता के विरोध में बीजेपी का आज सड़कों पर उतरना, क्या ममता बनर्जी कहीं कोई नैरेटिव अलग सेट करने का प्रयास कर रही हैं? जब वो सीबीआई पे आरोप लगाती हैं कि कुछ निकल के नहीं आ रहा, भाजपा पे आरोप लगाती हैं कि ये तो पश्चिम बंगाल को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, हिंसा पर आरोप लगाती हैं कि ये तो बाहर के लोग कर रहे हैं। ममता जी, ममता बनर्जी अपना राजधर्म भूल चुकी है। लंबे समय तक उन्होंने विरोध की राजनीति की वामपंथियों के खिलाफ में, लेकिन शायद ममता बनर्जी भूल गई है कि 13 वर्षों से वो सरकार में है। आज भी उनका आचरण, उनकी बोली, उनका व्यवहार, प्रशासन से निपटने की उनकी शैली, प्रशासनिक अधिकारियों को निरपेक्षता से खत्म कर देना, विरोधियों पर टूट पड़ना, ये उनकी जो शैली है साबित करती है कि वो भूल चुकी है कि वो सरकार में है। सरकार चलाने वाले का एक राजधर्म होता है। ममता बनर्जी तो एक महिला है, एक नारी शक्ति है, और ये सारा कांड जो हो रहा है एक नारी के पीछे हो रहा है। किस प्रकार एक नारी के साथ में, कितनी उम्मीदों के साथ में उन्होंने डॉक्टर के करियर को चुना था, और इन 20 दिनों में जो घटनाक्रम हुआ है उसने सरकार की पोल को खोल दिया है। और अब जनता इतने दिनों के बाद में खुल करके, राधिका जी ने जैसा कहा कि अब स्वतः स्फूर्त भाव से जनता सड़कों पर आने के लिए बाध्य हुई है। आज ममता बनर्जी की पार्टी के छात्र दिवस का एक दिवस का समारोह होता, उसमें ममता बनर्जी ने 3-4 बहुत बड़ी बातें कही हैं, और मुझे लगता है कि इसके मायने बहुत दूर तक जाएंगे। ममता बनर्जी ने आज ये कहा कि मैं जब सरकार में आई थी तब हमने नारा दिया था कि बदला नहीं, बदलाव की राजनीति करूंगी। आज ममता बनर्जी ने, अनिंदे बाबू बैठे हैं, वे इस बात को स्वीकार करके ईमानदारी से बताइए कि ममता बनर्जी ऐसा कहा कि नहीं कहा, कि जब ममता बनर्जी ने कहा कि बदला नहीं, बदलाव की राजनीति मैंने शुरू करी थी, लेकिन अब वो बंद हो गया है, अब जिसको पूरी छूट, अब कार्यकर्ताओं को पूरी छूट है, जिसको जो समझ में आए वो करे। कार्यकर्ताओं को ये खुली छूट देने का मतलब क्या है? दूसरी बात, आज ये जरा सा झूठ बात पर है, मतलब रिकॉर्डिंग आप देख लीजिए ना, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए, आपकी रिकॉर्डिंग देख लीजिए, रिकॉर्डिंग देख लीजिए, मैं 100 बार बोलूंगा। हम देख लिया, हम देखे, ये तो डॉक्यूमेंटेड है ना निंदो जी, ये बात तो सब कह रहे हैं, डॉक्यूमेंटेड है ये। गृह मंत्रालय को पत्र लिखा गया है इन बातों को कोट करके। आपका मतलब है, देखिए आपका मतलब है कि ममता बनर्जी ने कुछ गलत नहीं कहा, या आपका मतलब है कि ममता बनर्जी ने भड़काया नहीं? ममता जी ने बोला कि हम दंगा फंसने चाहिए, हम शांति से रहेंगे, लेकिन जो देवाशीष चैटर्जी बोलकर जो पुलिस ऑफिसर है उसका पत्थर तोड़ छोड़ के उसका आग चला गया,
कौन जिम्मेदार है इसको? अनिंदा जी एक मिनट, डॉक्टर के लिए कौन जिम्मेदार है? संदीप घोष को क्यों पकड़ा? मैंने अपनी चर्चा की शुरुआत अनिंदा जी इसी शब्द के साथ की थी। प्रकाश जी एक मिनट अनिंदा जी, चर्चा की शुरुआत इसीलिए मैंने इसी बात से की थी कि पश्चिम बंगाल जलेगा तो देश के ये राज्य भी जलेंगे, बहुत बड़ी बात है। एक मुख्यमंत्री राज्य की बात कहें तो सवाल उठना लाजमी है। लेकिन एक बात बताइए, चलिए आप इस सवाल से बार बार बच रहे हैं अनिंदो जी, मैं आपसे दूसरा सवाल करना चाहूंगी। अभी हम दृश्य दिखा रहे थे कि छात्रों पर वाटर कैनन्स बरसाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी की खुद की राजनीति ही तो धरना प्रदर्शन से शुरू हुई थी। लोकतंत्र हक देता है हर किसी को कि आप अपनी आवाज बुलंद करें, आप धरना प्रदर्शन करें। भाजपा को अदालत ने भी अब परमिशन दी है कि वो भी धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। ममता बनर्जी खुद कहती है कि शनिवार को मैं धरना प्रदर्शन करूंगी। विपक्ष छात्र जनता विरोध करें तो वो अवैध गैर कानूनी धरना प्रदर्शन, मुख्यमंत्री करे तो सब कानूनी हो जाता है। क्यों असहज हो रही है ममता बनर्जी इन जनता की आवाज से? देखिए मैं बता रहा हूं, शांतिपूर्ण धरना मंच करे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम हमारा देश है गांधी जी का देश है, हमको पता है शांतिपूर्ण मोर्चा निकालना क्या होता है, हमको पता है शांतिपूर्ण धरना मंच करना क्या होता है। लेकिन भाजपा वाले ने शांति कर नहीं चाहते, वो लोग चाहते हैं कि हाँ कुछ नहीं कर पा रहे, डेमोक्रेटिक वे में कुछ नहीं कर पा रहे, तो हम इसको दंगा फसाद करो, मारपीट करो, इसको डिस्टर्ब कर दो, ये स्टेट को डिस्टर्ब कर दो। क्योंकि लास्ट टाइम दिखा गया चुनाव में ये लोग हार गया था, इसलिए लोग कह रहे कि 355 डालो, 356 करो, किसी भी तरह वेस्ट बंगाल को डिस्टर्ब कर दो। यही हम नहीं चाहने देंगे, क्योंकि ये देश है, ये मेरा स्टेट है और ये गांधी जी का देश है। यह दंगा फसाई करने अरिंदो जी, जब बात हिंसा की होती है और चुनावी हिंसा की होती है तो मेरे को लगता है टीएमसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जनता सब जानती है चुनावों में किस तरीके से जीता जाता है, किस तरीके से उम्मीदवारों को खड़ा होने से पहले ही खत्म कर दिया जाता है इत्यादि लंबी फेहरिस्त है इन चीजों की, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगी। लेकिन प्रकाश चंडालिया जी, इस तरीके की जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, जिस तरीके से मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग बढ़ रही है, क्या ये मांग ऐसे मामले में सही नहीं है जब कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है और नागरिकों के अधिकारों को कुचला जा रहा है? ममता जी, आज राष्ट्रपति के बयान पर गौर करना चाहिए। जो लोग सफेद झूठ के कारोबारी हैं, सत्ता में बैठे हुए पश्चिम बंगाल के सत्तारूढ़ वाले लोग, उनको राष्ट्रपति महोदया के बयान पर आज गौर करना चाहिए, जिन्होंने स्पष्ट कहा है एनफ इज एनफ। आप डॉक्टरों से बदला ले रहे हैं, आप कह रहे हैं गणतांत्रिक बात करते हैं, एक अस्पताल के प्रिंसिपल के रूप में आपने एक क्रिमिनल को बैठा के रखा है, जिससे एक घंटा पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी उसको निकाल के बाहर कर दिया है, जिसको ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन ने निकाल के बाहर कर दिया है, जिनके कारनामों की लंबी फेहरिस्त है और दीदी उनको हमेशा बचाने का प्रयास करती है। और दूसरी बात ममता जी, आज 14 दिन से क्या कर रहा है? आज कथा बोलते दिन कथा सुनू ना गए भालो भारत कथा ना सुनू ना गए आज ममता बनर्जी ने अरिंदो जी, प्रकाश जी अपनी बात खत्म कर ले, फिर मैं आपके पास जवाब के लिए आऊंगी, उन्हें अपनी बात पूरी करने दें। प्रकाश जी बोलिए। मेडिकल जूनियर जो डॉक्टर अपने सहकर्मी की मौत के बाद न्याय की मांग कर रहे हैं, पूरा बंगाल पूरा देश न्याय की मांग कर रहा है, आज इनडायरेक्टली ममता बनर्जी ने अपने भाषण में उन्हें धमकी दी है, उन्हें कहा है कि आप लोग अपने काम पे लौट जाइए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें हिदायत दी है, नसीहत दी है और एक प्रकार से मशविरा दिया है, क्योंकि मेडिकल सर्विस की बात है, सेवाओं की बात है। आज ममता बनर्जी ने उन्हें कहा कि आप अगर अपने काम पर नहीं लौटते हैं तो मुझे मालूम है कि मेरे पास में क्या पावर है, आपके मैं अगर कानून का सहारा लूंगी आपके पासपोर्ट रद्द हो जाएंगे, आपका वीजा रद्द हो जाएगा, आपको कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। और इसके बाद में जूनियर डॉक्टर्स उन लोगों ने भी जवाब दिया है कि हम आपकी बात से डरने वाले नहीं है। ममता बनर्जी ने आज मीडिया को भी धमकी दी है, यूट्यूबर्स को, सोशल मीडिया के लोगों को भी धमकी दी है, और सबसे बड़ी बात है कहा कि मैं सारे लोगों की खबर रखती हूं। जो ममता बनर्जी आरजी कर कांड के
प्रिंसिपल की खबर नहीं रखती और 7,000 लोगों का प्रदर्शन अस्पताल में हो जाता है, उनका पुलिस प्रशासन व्यर्थ साबित हो जाता है, उसकी खबर नहीं रख पाता है, वह ममता बनर्जी आज नवान्नों में हिल चुकी है, उनकी सत्ता हिल चुकी है। इसी प्रकार का शासन वामपंथियों के दौर में जब हुआ था, ममता बनर्जी ऐसे ही आंदोलन करके ऊपर आई थी। एक और बात आज उन्होंने कही कि विरोधी पार्टियां लाश की राजनीति करती हैं। माफ कीजिएगा अनिंदो बाबू, आपकी पार्टी को मैं चैलेंज करके कहता हूं, मुझे साबित करिए अगर मैं गलत हूं तो। लाश की राजनीति करने का अगर कोई विश्वविद्यालय है तो उसकी कुलपति आपकी पार्टी की नेत्री है। इससे ज्यादा लाश की राजनीति पूरे देश में किसी ने नहीं की होगी। आज भी 21 जुलाई को आप लाश की राजनीति करते हैं। कांग्रेस के लोग मारे गए थे और उसको आपने हाईजेक कर लिया और तृणमूल के बैनर पर आज भी 21 जुलाई की मीटिंग होती है। 1998 में जब एक कार्यकर्ता की हत्या हुई थी, उस वक्त आपकी पार्टी के सेकंड इन कमांड मुकुल राय ने कहा था कि हम लाश लेकर, अगर एक भी लाश गिरी तो हम लाश लेकर के चुनाव आयोग के दफ्तर में जाएंगे। और तीसरा उदाहरण तापसी मल्लिक का है। वामपंथियों के जमाने में आपने क्या कुछ किया था? क्या कुछ नहीं किया था आपने? महिलाओं को आप सुरक्षा नहीं दे पाते हैं? मां माटी और मानुष की बात करते हैं? प्रकाश जी, पूरे बंगाल के संदेश खाली में हजारों महिलाओं ने रो रो करके चिल्ला चिल्ला करके कहा था कि हमारी इस वक्त पार्टी के कार्यालय में लूटी जा रही है और आप शाहजहां का बयान करती रह गई। प्रकाश जी, हम समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बहुत बहुत आक्रोश है लोगों के बीच भी, और ममता बनर्जी सरकार ने जिस तरीके से इस पूरे मामले को पहले ही दिन से, जब ये बात सामने आई तब से ही इसे दबाने की कोशिश की, इसको सुसाइड बनाने की कोशिश की, जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई आरजी कर में, जिस तरीके सबूतों को नष्ट किया गया, जिसको लेकर अदालत ने भी टीएमसी को घेरा, निंदो जी, तमाम सवाल खड़े होते हैं कि स्वयं स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री स्वयं है, उसके बावजूद अगर वो सुरक्षा नहीं दे पा रही, सुरक्षा तो छोड़िए, अगर वो कोई ऐसी घटना घटती है तो उसमें भी महिलाओं के साथ खड़ी हुई नजर नहीं आती, जांच को ईमानदारी से आगे नहीं बढ़ाती, जवाबदेही तय नहीं करती, उल्टा प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया जाता है, क्या ये सवाल खड़े नहीं करता कि मुख्यमंत्री स्वयं नैतिक आधार पर ही मुख्यमंत्री रहने की जिम्मेदारी खो चुकी है? देखिए, मैं आ रहा हूं, अर्जुन चौरसिया बोल के एक बीजेपी कर्मकर्ता का देहांत हो गया, सुइसाइड किए, और बीजेपी वाले ने बोला कि ममता दीदी, ममता बनर्जी का पार्टी टीएमसी ने उसको मार के लटका दिया। और मेरा हम लोगों का होम मिनिस्टर अमित शाह जी जाके बोले कि हाँ, ममता बनर्जी का पार्टी इसको लटका दिया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए सुइसाइड किए। तो लाश का राजनीति कौन करता है, नंबर वन? नंबर टू, लाश का राजनीति का बात कर रहे हैं, कौन लोग बोल रहे हैं? ऐसा है अनिंदो जी, आज जब सारा देश आरजी कर में हुई रेप, दुष्कर्म और हत्या की बात कर रहा है, आप अपना चेहरा छिपाने के लिए तमाम अन्य मामलों को गिनाना शुरू कर देंगे। देखिए, जो गलत हुआ वो नहीं स्वीकार्य होना चाहिए, किसी के भी द्वारा वो नहीं स्वीकार्य होना चाहिए, लेकिन वही सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। जहां आपकी सरकार फेल हुई है, वहां आपको स्वीकार करने की एक हम्बलनेस दिखानी चाहिए, ताकि जनता ये अपेक्षा भी कर सके कि आज नहीं तो कल तो ममता बनर्जी साथ खड़ी होंगी, लेकिन शायद जनता के बीच वो उम्मीद भी पूरी तरह खत्म हो चुकी है, और इसीलिए आज ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग सड़कों पर सुनाई दे रही है। मेरे पास वक्त इतना ही, फिलहाल मैं सभी गेस्ट का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बरकरार रहे, महिलाओं की सुरक्षा बरकरार रहे। और वहीं डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर हम जानते हैं कि राष्ट्र स्तर पर केंद्र सरकार भी कदम उठा रही है इस मुद्दे पर। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आज गृह सचिव और स्वास्थ्य सचिव ने भी सभी राज्यों के DGP और मुख्य सचिव से बात की, और इस बाबत स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने सभी राज्यों के DGP और मुख्य सचिव को पत्र भी लिखा, और इस पत्र में उन्होंने डॉक्टरों के कार्यस्थल पर सुरक्षा सहित तमाम मुद्दों को हल करने के निर्देश दिए। उन्होंने लिखा कि इस संबंध में कुछ तात्कालिक उपाय हैं जिन पर अमल किया जाए। इसमें स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए राज्य कानूनों और भारतीय न्याय संहिता की प्रासंगिक धाराओं को दंडात्मक या जुर्माने के विवरण के साथ अस्पताल परिसर के अंदर स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में प्रदर्शित किया जाए। इसके अलावा उचित सुरक्षा उपायों की रणनीति बनाकर उन्हें लागू करने के लिए वरिष्ठ डॉक्टर्स और प्रशासनिक अधिकारियों को भी शामिल किया जाए। साथ ही अस्पताल सुरक्षा समिति और हिंसा रोकथाम समिति का भी गठन किया जाए।
मरीज के परिचारकों या रिश्तेदारों के लिए सख्त आगंतुक पास नीति बनाई जाए। विभिन्न ब्लॉक्स के तहत रेजिडेंट डॉक्टर्स और नर्सेस के सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था भी की जाए। रात के ड्यूटी के दौरान छात्रावास भवन, अस्पताल परिसरों में नियमित सुरक्षा गश्त और परिसर में पूरा दिन कंट्रोल रूम की व्यवस्था भी की जाए, यानी 24 घंटे ये कंट्रोल रूम काम करना चाहिए। साथ ही निकटतम पुलिस स्टेशन के साथ प्रॉपर कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित